बढ़ेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की ओर। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील प्लांट में धमाके की खबर है। धमाका कोक प्लांट के बैटरी चैंबर नंबर 5, 6 और 7 में हुआ है। 2 कर्मचारियों के घायल होने की सूचना भी मिली है, जिन्हें नजदीकी अस्पताल या कहें कि TMH में भर्ती करवाया गया है। धमाका होते ही अफरा तफरी मच गई और भीषण आग लग गई। गैस लीकेज होने की भी बात बताई जा रही है। सूचना मिलने पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की गई। हादसे के कारणों का फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन अच्छी बात इस पूरे हादसे में ये रही कि अधिकांश कर्मी सुरक्षित बताए गए हैं। तो जमशेदपुर से ये बड़ी खबर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाटा स्टील प्लांट के कोक प्लांट, टाटा स्टील के कोक प्लांट की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भीषण आग लग गई है। और आपको बता दें कि इस आग में 2 कर्मचारी हैं जो झुलस गए हैं, जिनको TMH में भर्ती कराया गया और वहां पे उनका इलाज चला, जिसमें ये सूचना मिली है कि एक जो कर्मी है उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। और इस बड़ी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जमशेदपुर से इंद्रजीत जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, क्या है ये पूरा मामला? हमने तस्वीरों में देखा है कि किस तरीके से टाटा स्टील प्लांट में आग लग गया है। आप बताएं इस पूरे मामले की अपडेट। अभी तुम्हें बता दें कि टाटा स्टील प्लांट 1907 में जमशेदपुर में स्थापित हुई, उसके बाद से ही छोटी बड़ी कई घटनाएं अब तक घट चुकी है। आज का जो ताजा मामला है वो टाटा स्टील के कोक प्लांट में हुआ है, जिसमें अचानक ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद पता चला कि बैटरी नंबर 5, 6 और 7 में आग लग गई है। और इस आग के जो लपटे थी वो बहुत ऊंची थी, जो दूर से ही दिखाई पड़ रही थी, जहां मोबाइल में ये सारा वीडियो कैप्चर हुआ। और इसकी सूचना जब कंपनी के अंदर दूसरे प्लांटों तक गई तो आला अधिकारी के कान खड़े हुए और कंपनी के अंदर दमकल की तमाम गाड़ियां पहुंची और आग पे काबू पाया गया। मगर अब तक जो सूचनाएं छन क्या रही है, जो 5 और 7 है वो तो चालू कर लिया गया है, मगर 6 अब तक चालू नहीं हुई। इसके लिए इंजीनियर्स लगे हुए हैं ताकि जो प्रोडक्शन है वहाँ का वो ब्रेक ना हो, वो निरंतर चलता रहे। इसके लिए तमाम टाटा स्टील के इंजीनियर लगे हुए हैं ताकि उसको किसी तरह से स्टार्ट किया जाए और बात जल्दी की कर ले। तो 2-3 लोग घायल हुए थे, जिनमें कुछ लोग को TMH में एडमिट कराया गया था। हालांकि टाटा स्टील की तरफ से ये भी जानकारी मिल रही है कि उनको हल्की चोटें आई थी और सीने में एक दर्द हुआ था, क्योंकि गैस का रिसाव भी साथ में हुआ था इस कारण से, और उनको वापस वो काम पे लौट गया है। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि इतनी बड़ी कंपनी है जिसका 2 मिलियन टन से लेकर के 10 मिलियन तक। इंद्रजीत, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस घटना की किस वजह से ये घटना हुई, क्यों आग लगी, इसका पता चल पाया है क्या, या फिर टाटा स्टील की तरफ से कोई औपचारिक पुष्टि की गई है इस बारे में? अभी बता दें कि टाटा स्टील बहुत बड़ी कंपनी है और अंदर की जो बातें होती है वो जो सत्य होती है वो 100% बाहर छन के नहीं आती है। टाटा स्टील में अंदर घटना कुछ और घटता है और स्टेटमेंट कंपनी की ओर से कुछ और आती है। तो ये जो क्यों घटना घटी थी ये 100% कहना मुश्किल होगा, लेकिन एक बात साफ है कि कहीं ना कोई लापरवाही हुई होगी कोक प्लांट में, उसके बाद ये घटना, इतनी बड़ी घटना घटी है। और सुमित, एक बात और बता दें कि अभी से लगभग 1.5 वर्ष पहले जमशेदपुर में एक मॉक ड्रिल हुआ था। उस मॉक ड्रिल में कंपनी के अंदर ब्लास्ट होगा और गैस रिसाव होगा, तो कैसे बचना हो इसको लेकर के बताया गया। और दूसरी ये बात है कि भोपाल गैस कांड के समय कोर्ट का आदेश आया था कि जो हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियां हैं उनको इस तरह से गैस रिसाव या फिर ब्लास्ट के समय जो क्षेत्रवासियों को नुकसान होना है उसको लेकर सजगता दिखाई थी और एक इंश्योरेंस करने की बात कही गई थी। तो टाटा स्टील किसी पैमाने पे अपने आप को नहीं रख पाती है कि शहर के लोगों का इंश्योरेंस करवा देती कि बड़ी घटना घट सकती थी। आज कंपनी के अंदर ब्लास्ट हुआ है, ये ब्लास्ट हो सकता था कि शहर वासियों को नुकसान पहुंचाता, वो गैस हो सकता था कि पूरे शहर को तबाह कर सकता था, तो बड़ी घटना हो सकती है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो टाटा स्टील की ओर से कहीं ना कहीं इंटरनल कमी होती है, लेकिन बातें साफ तौर पर छन के बाहर नहीं आ पाती है, इस कारण से पता नहीं चल पाता है। इंद्रजीत, क्या आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है या अभी भी आग की लपटें वहां पर दिख रही हैं? अभी फिलहाल तो पूरी स्थिति सामान्य हो गई है, दमकल की कई गाड़ियां पहुंची थी, आग से काबू पा लिया गया है। अधिकारी पूरी तरह से स्वस्थ है कि अब किसी बड़ी घटना को कागा नहीं है, लेकिन जो नंबर 6 बैटरी है वो फिलहाल बंद है,
जो अंदर से बाकी छन क्या रही है वो प्लांट बंद है और किसी तरह से चालू करने की कवायद की जा रही है। इंद्र जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से जमशेदपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे टाटा स्टील प्लांट में बैटरी नंबर 6 में आग लग गई, और यह भी बताया जा रहा है कि 5 नंबर और 7 नंबर में भी आग लगी थी। अभी तक इस पूरे हादसे की जो वजह है उसका पता नहीं चल पाया और ना ही टाटा स्टील की तरफ से कोई भी औपचारिक पुष्टि की गई है। हालांकि इसमें इस पूरे हादसे में जो अच्छी बात यह रही कि जो मजदूर हैं, 2 मजदूर हालांकि घायल हुए, लेकिन उनको ज़्यादा गंभीर चोट नहीं आई है। उनका जो इलाज है वो TMH हॉस्पिटल में चल रहा है।